तो दोस्तों इस हफ्ते भी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई है जिसके बारे में ऑडियंस को बिल्कुल भी पता नहीं था, या ये भी कह सकते हैं कि ऑडियंस को इन फिल्मों के बारे में पता भी नहीं करना था। तो इन बड़ी बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे कैसा कलेक्शन किया इसी के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो पहले बात करते हैं बॉलीवुड क्वीन की यानी कंगना रनौत की। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का रिलीज हुई थी दोस्तों और इसने अपना फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे कंप्लीट कर लिया है और तेजस मूवी ने अपने पहले दिन 1.25 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया से नेट कलेक्शन में। और तेजस मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है और इस फिल्म का भी हाल कंगना रनौत की पिछली फिल्मों जैसा ही होने वाला है। अब कंगना रनौत बॉलीवुड क्वीन से डिजास्टर क्वीन बनते जा रही है, एक से एक डिजास्टर फिल्में वो बॉक्स ऑफिस पे दे रही है दोस्तों। और इस हफ्ते की दूसरी फिल्म है विक्रांत मेसे की बारहवीं फिल्म, और बारहवीं फिल्म मूवी ने तो विदाउट बस के दोस्तों कंगना रनौत की तेजस जैसा ही कलेक्शन किया है और बारहवीं फिल्म मूवी ने भी अपने फर्स्ट डे को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की है बॉक्स ऑफिस पे। और बारहवीं फिल्म मूवी के रिव्यूज भी काफी अच्छे आए हैं, जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है उन लोगों के दिलों को छू गई है ये मूवी। और बारहवीं फिल्म मूवी आगे जाके तेजस से भी अच्छा कलेक्शन करेगी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। और इस हफ्ते की तीसरी फिल्म है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। अब ये फिल्म किस शहर में किस सिनेमा हॉल में लगी है ऑडियंस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हुई है और सजनी शिंदे के वायरल वीडियो ने भी 15 लाख के आसपास की कमाई की है अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन में। तो गाइस सजनी शिंदे का वीडियो तो वायरल हो गया लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे वायरल नहीं हो पाई। तो लेट्स सी गाइस इन तीनों में से आगे सिनेमा हॉल में कौन सी मूवी ज्यादा दिन तक टिकती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो तब तक के लिए वेट कीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टेकर बाबा, लव यू ऑल, जय वंदे मातरम।